नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं एपीटीवी भारत। सारा इंडिया के साथ जितनी भी ठगी कंपनियां हैं उनके निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं मदनलाल आजाद। तीसरी भारत यात्रा पर है और राष्ट्रीय व्यापी सत्याग्रह छेड़ दिया है केंद्र सरकार के खिलाफ भी। आज उनसे बात करते हैं। मदनलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एपीटीवी भारत के लाग रन बेट कार्यक्रम में। जी धन्यवाद साहब। मदनलाल जी, 5,000 करोड़ रुपए सारा निवेशकों के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेबी से रिलीज हो चुके हैं। उसके जी बाद में, तुरंत बाद में मदनलाल आजाद राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का ऐलान करते हैं। क्या कारण है, कहाँ निराशा है, कहाँ घोटाला हो रहा है और कहाँ पर पीड़ा है निवेशकों में? देखिए साहब, 5,000 करोड़ रिलीज होने वाली जो बात है वो अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। केवल आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का कि रिलीज कर दे से भी उसको पैसे को, सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को। तो जब पैसा रिलीज होगा उसके खाते में आएगा, उसके बाद उसने प्रक्रिया तय करनी सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव। और जब प्रक्रिया तय हो जाएगी कि किस प्रक्रिया के माध्यम से वो पैसा मिलना है, फिर उसके बाद एक ड्राफ्ट तैयार होगा कि किस फॉर्मेट में आवेदन करना है जमाकर्ताओं को, फिर वो भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें दो चीजें हैं राजपूत साहब। देखिए, दो ही प्रक्रिया तय कर सकता है सरकार, दो के अलावा तीसरी कोई प्रक्रिया तय नहीं हो सकती इसमें। सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को केवल इतना सा अधिकार है कि वो सहारा की चारों, जो ये मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उन चारों को लिक्विडेशन में डाल दे और उन चारों पे लिक्विडेटर अपॉइंट कर दे। और लिक्विडेशन प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी आवेदक हैं या जमाकर्ता हैं वो अपना आवेदन लिक्विडेटर को करें और लिक्विडेटर उनको उनका भुगतान कर दे। ये पहली प्रक्रिया है जो कि सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के अधिकार क्षेत्र में आती है। इसका अतिक्रमण सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार नहीं कर सकता। दूसरी प्रक्रिया ये है कि जो पैसा 5,000 करोड़ आए सेबी के फंड से, उसको भारत सरकार, चूंकि सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार भी उसी का अंग है भारत सरकार का ही, वो उस फंड को उन तमाम जिला अधिकारियों को, या कहें जो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत नियुक्त सक्षम अधिकारी हैं, उनको बांट दे और वो अपने यहाँ आवेदन लें और वो उस पैसे को ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को वापस करें। इसकी संभावना ज्यादा है, चूंकि सहारा इंडिया परिवार की चारों मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के खिलाफ देश भर में सैकड़ों मुकदमे अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत दर्ज हो चुके हैं, प्रक्रियाधीन है वो। तो उन मुकदमों को कहां सरकार लेके जाएगी, कहां सीआरसी लेके जाएगा, कहां कोई और लेकर के जाएगा। तो जो ज्यादा संभावना है वो यही है कि बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान होगा और ये 5,000 करोड़ रुपए भी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिलीज होने जा रहा है वो बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज को वितरित किया जाएगा। एक बड़ा कंफ्यूजन और है साहब, कि जिन लोगों ने सीआरसी में शिकायत की है सहारा के पीड़ितों ने या जमाकर्ताओं ने, उन्हीं का भुगतान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सीआरसी में तो बहुत सारे लोगों ने क्यू सॉप की भी कर दी है, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी करती है। सीआरसी कोई भुगतान एजेंसी नहीं है, वो स्वयं भुगतान नहीं कर सकता किसी भी मूल्य पर, चाहे प्रधानमंत्री कहे उसको, गृह मंत्री कहे, ये सब चुनावी जुमले हैं। सीआरसी स्वयं भुगतान नहीं करेगा, भुगतान लिक्विडेटर को करना है और लिक्विडेटर के यहाँ जो भी आवेदन करेगा उसका भुगतान होगा। ये नहीं है कि साहब सीआरसी में किसी ने शिकायत कर रखी है तो उसका भुगतान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सीआरसी में जो भुगतान की शिकायतें हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वो तो ज्यादातर उसको भेज दी गई हैं सारा मैनेजमेंट को ही, चूंकि सीआरसी को तो यही पावर है ना कि या तो वो मैनेजमेंट को भेजता है उन शिकायतों को जो उसे शिकायतें प्राप्त होती हैं, या फिर किसी सक्षम अधिकारी को रेफर करता है उनको। ये प्रक्रिया होती है। जो ये कंफ्यूजन दुनिया भर का क्रिएट किया जा रहा है सीआरसी के नाम पर, लोग कई चंदाखोरी भी कर रहे हैं, धंधा बना लिया है कि लाओ हम तुम्हारी शिकायत सीआरसी में जमा करवा देते हैं, वो लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मदनलाल जी, सीआरसी से किसी का मेरा भुगतान नहीं होगा। मेरा प्रश्न है, जी मदनलाल आजाद ने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का जो ऐलान किया है उसकी वजह क्या है?
उसकी वजह तो यही है कि जो देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं, उनका जो भुगतान नहीं हो रहा, कानून बन जाने के बावजूद भी उन लोगों को एकजुट करना, जागरूक करना, यही मकसद है मेरी यात्रा का, तो कि तमाम लोग एकजुट हों। अच्छा अवसर आने वाला है और इस अवसर का लाभ अगर देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार उठाना चाहेंगे, एकजुट हो जाएंगे, तो उन सबका भुगतान वर्ष 2023 में ही सुनिश्चित हो जाएगा, मिल जाएगा। ये जो आपका राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह है, क्या सफलता मिल रही है, क्या क्या गतिविधियां हैं आप लोगों की? देखिए सफलता तो बहुत बड़ी मिल गई है राजपूत साहब, स्वयं प्रधानमंत्री ने, देखिए मैं आपको भेज दूंगा फोटो करके, इसकी फोटो खींच के, स्वयं प्रधानमंत्री ने अपने ज्वाइंट सेक्रेटरी से मेरे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवा दिया है 23 मार्च 2023 के सत्याग्रह को लेकर के। तो मैंने प्रधानमंत्री का घेराव किया, उनके कार्यालय का, उनके नाम पर लोगों से पैसा लिया, लोगों को गुमराह किया कि प्रधानमंत्री अपने रिलीफ फंड से सबका भुगतान करेगा, 180 दिन में करेगा, 2 से 3 गुना करेगा। इसकी जांच चल रही है सर, पूछ रहे हैं कि साहब कहाँ लिखा है व्हाट्स एक्ट में ऐसा, 2 से 3 गुना कहाँ, 180 दिन लिखा है? तो सारी चीजें मैंने दी हैं कि भाई देखो इस एक्ट को आप खोल के पढ़ो, ना तो शायद प्रधानमंत्री ने पढ़ा हो, ना प्रधानमंत्री के लीगल एडवाइजर्स ने, ना उनके सचिवों ने, इसलिए कंफ्यूजन है उनको, उनको लगता है मदन लाल आजाद अपनी तरफ से बना रहा है, ऐसा एक्ट में नहीं लिखा है, जब एक्ट में मतलब लिखा है ऐसा। इन्हीं लोगों ने बस एक जो कानून है उसका अध्ययन नहीं किया है। जी अध्ययन नहीं किया है। आपकी जो गिरफ्तारी की जो आपने दिखाया मुझे भी, पीएमओ से आदेश जारी हुआ था, तो अभी मैं देख रहा था अग्रिम जमानत आपको मिली है, क्या मामला और जी कैसे जमानत मिली? जमानत तो साहब चूंकि फर्जी मुकदमा दर्ज किया था हमने, न तो प्रधानमंत्री के नाम का कभी इस्तेमाल किया और पैसा लेने का तो मतलब ही नहीं, हम तो प्रधानमंत्री की सदैव आलोचना करते हैं, तो उसके नाम से हम किससे पैसा लेंगे और कौन देगा उसके नाम से पैसा हमको? हमने कभी ऐसा किया भी नहीं कि किसी के नाम से पैसा लें, हम तो हमारा संगठन है उसमें फीस तय है बाकायदा वैधानिक रूप से, उससे लेते हैं, या चूंकि हम जो परिश्रम कर रहे हैं अपने परिश्रम के नाम से लेते हैं पैसा, प्रधानमंत्री या किसी और के नाम की, तो हमको जिंदगी में कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि किसी के और के नाम से लेंगे। तो मतलब आज प्रधानमंत्री ने जी ये मुकदमा दर्ज करा दिया, फेक था, कोई एविडेंस नहीं था, इसलिए कोर्ट ने पहली नजर में ही इसको फेक मानते हुए प्रोटेक्शन दे दी मुझे कि नहीं भी अरेस्ट नहीं करोगे और केवल इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लो। मैंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है, उसमें जो जो जानकारी उनको चाहिए थी वो सारी जानकारियां उपलब्ध करा दी हैं, केवल ये भयभीत करने का प्रयास था राजपूत साहब, डराने का कि हम डर जाएं, आंदोलन वापस ले लें। इतने लोग जो हमने हजारों की भीड़ प्रधानमंत्री कार्यालय पर 23 मार्च को पहुंचा दी, 2 अक्टूबर को फिर इन लाखों को लेकर के घेर ना लें सचमुच, तो इस भय की वजह से उन्होंने डराने का प्रयास किया और इससे हम डरेंगे नहीं। मदन लाल आजाद को डराने का जो प्रयास हुआ, आपके गिरफ्तारी का आदेश जारी हुआ, तो उसके बाद में आपके निवेशकों में, कार्यकर्ताओं में, आंदोलनकारियों में क्या रवैया था, क्या उन लोगों का जो है कहना था उससे? बड़ा जोश था सब, जिस दिन 25 मार्च को मुझे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बुलाया गया, देश भर में हजारों जगहों पर लोगों ने धरने दिए, प्रदर्शन किए, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, चर्च में और जगहों पर मेरे लिए प्रार्थनाएं की गईं। और जब मैं वहाँ स्पेशल सेल के दफ्तर पहुंचा दिल्ली पुलिस के, तो वहां भी सैकड़ों साथी पहुंच गए थे, मेरे मना करने के बावजूद मैंने मना किया था कि भाई संगठन का इस्तेमाल मेरी मतलब रिहाई के लिए या गिरफ्तारी से बचने के लिए ना करें, ये सत्याग्रह के नियमों के विपरीत है, ये कानूनी मामला है, मैं कानून के स्तर से निमट लूंगा। लेकिन फिर भी सब लोग माने नहीं, बड़ा लोगों में भय था, एक चूंकि स्पेशल सेल के विषय में पता है कि वो इनकाउंटर करने के लिए बनाया गया है, वो 420 का मुकदमा शायद पहली बार स्पेशल सेल के अफसरों ने दर्ज किया होगा, आरटीआई डाल के पूछ भी लेंगे, तो एक खौफ था लोगों को, डर था कि कहीं प्रधानमंत्री मदन लाल जी की हत्या ना करा दें स्पेशल सेल के माध्यम से, तो इसलिए तमाम साथी पहुंच गए थे स्पेशल सेल पर। लेकिन खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं, बड़ा सभ्यतापूर्ण तरीके से पूछताछ हुई, जो उन्होंने जानना चाहा मैंने वो सब बता दिया और मैं सुरक्षित अपने घर आ गया सब, अभी भी घर बैठा हूँ, जो नियमित रोजमर्रा के मेरे काम है वो कर रहा हूँ, और मिशन भुगतान भारत यात्रा चल ही रहा है तीसरे फेज का, इसकी आज से और ज्यादा व्यापक तैयारियां हैं कि पूरे देश भर में आज हमारे साथियों ने मीटिंग्स की हैं, सभाएं की हैं, इसको राष्ट्रव्यापी स्तर पर हम अब ज्यादा तेज गति के साथ विस्तारित करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। जब तक के आप राष्ट्रीय संयोजक हैं, आपका आंदोलन किस ओर जा रहा है, भुगतान की क्या क्या संभावना है और कब तक निवेशकों का भुगतान हो जाएगा?
देखिए आंदोलन तो भुगतान की तरफ ही जा रहा है, भुगतान हो जाएगा राजपूत साहब। हम दोनों नीतियों पर अब काम करेंगे, हमारी परसों की मीटिंग में ये तय हुआ है हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की में कि हम देश के तमाम हाई कोर्ट्स में एक अलग अलग रिट पिटीशन स्टेट वाइज फाइल करेंगे। इन्हीं में जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए, साथ साथ जो हमारे एजेंट साथी हैं जिनको पुलिस प्रताड़ित करती है, निवेशक भी प्रताड़ित करता है, गुंडे माफिया भी प्रताड़ित कर देते हैं, कई बार जो सक्षम अधिकारी हैं व्हाट्सएप के वो भी उन्हें डरा धमका करके भगा देते हैं, दलाल तक कह देते हैं, बदतमीजी करते हैं उनके साथ, उनको सिक्योरिटी दिलाने के लिए, सुरक्षा दिलाने के लिए और तमाम पीड़ितों का भुगतान कराने के लिए, इन तीन मांगों को लेकर हम देश के प्रत्येक हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं। कल हम दिल्ली हाई कोर्ट में इस काम का शुभारंभ कर देंगे। सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको सुनने को तैयार नहीं है। वो कहता है अब आप इसको अपने पहली सीढ़ी से चलो, तो हम इसको हाई कोर्ट्स के माध्यम से पूरे देश में उठाने जा रहे हैं मामले को कि इस पर एक डायरेक्शंस ले लें हाई कोर्ट की। और आंदोलन तो चल ही रहा है, आंदोलन चलेगा और तेज चलेगा, तो ये दोनों कदम उठाने जा रहे हैं। और सब भुगतान तो कराना ही है, हर हाल में कराना है राजपूत साहब, नहीं तो पहले भुगतान फिर मतदान नजदीक है समय, इसका प्रयोग करने का कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। मदनलाल जी, आप पेशे से वकील हैं। सुब्रत राय सहारा जो है, सहारा के चेयरमैन, हजारों FIR दर्ज है देश में, खुद 6 साल से पैरोल पर हैं। और अब आपको भी जानकारी होगी, अभी किसी वकील के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने एक याचिका जो है दायर कराई है, जिसमें जो वो जेल गए थे, उनका कहना है कि 2 साल से ऊपर मुझे जेल में रखा गया, लेकिन जिस कानून के तहत, जिस प्रावधान के साथ में मुझे जेल भेजा गया, उसमें सजा 6 महीने की है। तो मतलब सुब्रत राय जो है, ये कहा जा सकता है कि जिन जजों ने सुब्रत राय को जेल भेजा था, वो ना जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब लाल जी, जरा बताइए हमारे निवेशकों को, सुब्रत राय जो है ये कदम किन किन सलाहकारों पर के कहने पर उठाया, और सुब्रत राय आखिर चाह क्या रहे हैं, और सुब्रत राय का होने वाला क्या है? देखिए साहब, वो कहते हैं ना, वो अपने यहाँ एक कहावत है राजपूत साहब लोग, जब वो गीदड़ की मौत आवे तो गांव की तरफ को भाग ले, और गांव में घुसने से पहले ही कुत्ते उसको चीर फाड़ डालते हैं, मार देते हैं। तो सुब्रत राय सहारा के सिर पर शनिदेव सवार हैं, इसलिए वो और उनके समर्थक इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हैं कि जजों पर ही मुकदमा कर देना कि उनको गलत किया। 6 महीने की सजा क्यों होती है? चीटिंग में तो अब तो लाइफ पनिशमेंट तक है, पूरी उम्र कैद हो सकती है, पूरे जीवन भर आप जेल की सुरक्षा लाखों के पीछे रह सकते हैं। पहले भी 7 साल थी चीटिंग, 6 महीने की क्यों थी? तो अगर उनको 3 साल या 2 साल अंदर रखा कानून ने तो वो कोई गलत नहीं था, ठीक था, बल्कि उनको पैरोल दे देना गलत था कि पैरोल जो दिया है वो गलत दिया है, उस आदमी को तो जेल में होना चाहिए जब तक वो भुगतान ना कर दे देश के प्रत्येक एक एक व्यक्ति का। तो उसकी शायद दिन खराब आ गए हैं जो जुडिशियरी से पंगा ले रहा है, इससे निवेशकों का लाभ होगा, अच्छी बात है वो अगर ऐसा करता है जी। मदन लाल जी, सहारा का मामला जितना गंभीर है, और अभी जो 5,000 करोड़ रुपए रिलीज कराने की बात हुई है सेबी से, सहकारिता जी मंत्रालय को, उसके बाद में जो सहारा इंडिया के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे थे, उनमें बड़ा उत्साह देखा गया, और वो उसे अपनी जीत मानकर चल रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए साहब, वो जीत किसी की नहीं है राजपूत साहब, मैं बड़ा क्लियर उस कॉन्सेप्ट पे रहता हूँ, वो किसी की जीत नहीं है, वो सहारा इंडिया परिवार की जीत है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 5,000 करोड़ सेबी फंड से रिलीज कराने का सीआरसी को, वो सुब्रत राय सहारा की जीत है केवल, वो किसी आंदोलन की जीत नहीं है, किसी पीड़ित की जीत नहीं है, किसी संगठन की जीत नहीं है, वो सहारा, सुब्रत राय सहारा और सरकार का मिलाजुला षड्यंत्र है। मैं कहूं तो तकनीकी रूप से वो गैरकानूनी भी है। वो जो पैसा है वो हाउसिंग का और फाइनेंस वाली कंपनीज का है, उसको आप यहाँ कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर कन्वर्ट करते हो तो सहारा अपने आप को कल इसी की पीली लेकर अपने को निर्दोष साबित करने का प्रयास करेगा कि सब मैंने अगर जनता का पैसा कन्वर्जन कर दिया, री इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो क्या अपराध कर दिया? आपने भी तो कर दिया सेबी से यहाँ कन्वर्जन पैसा, ऐसा कोई कानून नहीं है। तो ये एक मिसयूज है, लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर किसी भी पीड़ित को, जमाकर्ता को खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि खुशी व्यक्त नहीं करनी चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए कि जो मतलब 1.5-2 लाख करोड़ से ज्यादा की देनदारी है
उसको केवल आप 5,000 करोड़ में निपटाए दे रहे हो, वो भी उस पैसे से जो सेबी में पहले से जमा है, उससे तो उनका भुगतान किया जा सकता है जो सहारा हाउसिंग या फाइनेंस के विक्टिम है। उस पैसे को आप यहाँ थोड़ा ही कर सकते हो, कानूनी रूप से बता रहा हूँ साहब मैं, लेकिन अगर वो कर रहे हैं किसी भी तरीके से तो ये सहारा इंडिया परिवार की जीत है। चूंकि वो हमेशा कहता रहा, हमेशा सेबी की खिलाफत करता रहा, उस पैसे को वापस मांगता रहा, अब लिक्विडेटर जो है वो सहारा के दफ्तरों में ही तो बैठेंगे। कानून ऐसा ही है लिक्विडेशन का कि जहां भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है या हेडक्वार्टर है वहीं पर लिक्विडेटर बैठेगा, उसका ऑफिस वहीं होगा, वो इस चीज का भी फायदा उठाएगा, इसको भी ये कहेगा कि देखो। तो इसका लाभ तो केवल सहारा इंडिया परिवार का जो मैनेजमेंट है, सुब्रत राय सहारा है, उसको मिलना है, विक्टिम्स को कोई लाभ नहीं मिलेगा, केवल झांसा दिया जाएगा। और जी 5,000 करोड़ रुपए इतना छोटा सा अमाउंट है सर, 500-500 रुपए भी इससे नहीं आएंगे। हाँ मदन लाल जी, ये जो अमित शाह का मैं भाषण सुन रहा था, हरिद्वार से उन्होंने बोला कि 10 करोड़ निवेशकों में ये 5,000 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। आपने सही बोला, 500 रुपए भी नहीं आ रहे हैं, और फिर उन्होंने जी 86,000 करोड़ की और देने की बात की है। तो ये जो अभी जो मामला हुआ है, गृह मंत्री जो है इतने सक्रिय हुए, तो आपको क्या लगता है क्या दबाव है, क्या मामला है, मतलब ये हुआ कैसे? कोई दबाव नहीं है साहब, केवल जुमला है। अमित शाह को पता है, नरेंद्र मोदी को पता है कि ये जितने भी ठगी पीड़ित हैं देश भर में, चाहे वो सहारा के हों या किसी के हों, इनमें से 90% भाजपा समर्थक हैं, और उसे पता है कि ये पहले मतदान फिर भुगतान वाला जो नारा है, वो पहले भुगतान फिर मतदान वाला जो नारा है, ये बहुत तेजी से फैल रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। कहीं 2024 में या अभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव में लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया तो बीजेपी की नाव डूब जाएगी। जिस काम को राहुल गांधी नहीं कर सकता, अरविंद केजरीवाल नहीं कर सकता, अखिलेश या जयंत नहीं कर सकते, ममता या उद्धव ठाकरे नहीं कर सकते, या सीपीआई सीपीएम नहीं कर सकती, यानी कि भाजपा को केंद्र की सत्ता से उखाड़ कर फेंक देने वाले काम को, उस काम को ये आंदोलन कर देगा, ये मुद्दा कर देगा जो ठगी पीड़ितों वाला है। इस बात को बहुत बेहतर तरीके से अमित शाह जानते हैं, नरेंद्र मोदी जानते हैं, उनके तमाम सलाहकार जानते हैं, इसलिए लोगों को झांसा देने के लिए वो जुमलेबाजी कर रहे हैं कि 86,000 करोड़ बांट देंगे, 5,000 करोड़ बांट देंगे। बांट देंगे, बांटेंगे नहीं, देंगे, मतलब भविष्य की बात कर रहे हैं कि दोबारा सत्ता में आएंगे तो फिर मरने को छोड़ दिया जाएगा लोगों को, कि मरते रहो। तो मतलब ये पहले केवल झांसा भुगतान, है, सच्चाई कुछ नहीं है। अगर राजपूत साहब इसमें सच्चाई होती तो बट्स एक्ट अथॉरिटीज को अब तक पैसा बांट दिया गया होता, या बट्स एक्ट अथॉरिटीज को स्वतंत्र कर दिया गया होता कि आप तमाम इनकी प्रॉपर्टीज को सीज करें, नीलाम करें, आवेदन लें और लोगों का पैसा वापस करें। ये था तरीका, ये थोड़ा ही था तो चुनावी जनसभा में जुमलेबाजी करेगा, भाषणबाजी करेगा, पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे, कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर के आ, या और जो है जियो निकालो देश के तमाम बट्स एक्ट अथॉरिटीज के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल डाटाबेस बना करके कि भाई सब लोग इस प्रक्रिया को तेज करो, आवेदन लो, सबका भुगतान करो। ये 86,000 करोड़ कहाँ से देगा? 5,000 करोड़ या 86,000 करोड़ कहीं से लाने की जरूरत नहीं थी सरकार को, सक्षम अधिकारियों को इतने पावर हैं बट्स एक्ट में कि वो खुद अपने अपने इलाके से अर्न करके इनकी प्रॉपर्टीज को सीज और नीलाम करके पैसा दे सकते थे, लेकिन वो काम ना करके ये केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं, लोगों को झांसा दे रहे हैं। इनकी नीयत पैसा देने की नहीं है, भुगतान करने की नहीं है, केवल वोट बटोरने की है कि 42 करोड़ ठगी पीड़ितों को मूर्ख बना लिया जाए, बहका लिया जाए और दोबारा से 2024 में मोदी सरकार बना ली जाए। मतलब सुब्रत राय जो बोलते थे सेबी से पैसा लेने के लिए, वो एक तरह से सफल हो रहे हैं। क्या सर, दोबारा बोलना जरा, नीचे शायद बारात आ गई है। सुब्रत राय बोलते कि सहारा से पैसा लेना है, तो वो एक तरह से अपने मामले में सफल हो रहे हैं। बिल्कुल, सुब्रत राय अपनी जो उसकी रणनीति थी उसमें सफल रहा है साहब। ये 5,000 करोड़ वाला जो मैटर है, इसको हम निवेशकों का हित नहीं बता सकते, निवेशकों का नुकसान है ये, सुब्रत राय सहारा की जीत है। और जो लोग इसे अपनी जीत मान रहे हैं वो या तो मूर्ख हैं या सुब्रत राय सहारा के ही पाले हुए दलाल हैं जो इसे अपनी जीत मान रहे हैं। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी कहता हूँ, तो सुब्रत राय मदन सहारा लाल के दलाल हैं, जी, जिस एक बात को मामला, लेकर सुब्रत राय खुश हो रहा है उसी बात को लेकर वो भी जो है ढोल पीट रहे हैं। मदन लाल जी, एक मामला सहारा में बहुत तेजी से उभरा है, पीएफ घोटाले का। ये 2014 के बाद में सहारा में पीएफ जमा नहीं हुआ है, और कोई आरटीआई डाली गई थी जिसमें इन्होंने बोला हम सैलरी तो दे नहीं रहे, पीएफ कहाँ से काटे। और जो फॉर्म 16 है उसमें सैलरी दर्शाई गई है,
और उसमें ये भी बातें सामने आ रही है कि फॉर्म 16 उस आदमी के नाम से दिया जा रहा है, अकाउंट मैनेजर के, जिनका 2 साल पहले निधन हो चुका है। तो आप इसे किस रूप में देखते हैं? सर ये धोखाधड़ी है। पीएफ के मामले में एफआईआर लॉज हो जाती है। पीएफ तो किसी का अगर 1 रुपया भी नहीं काटा जाता है वो मैंडेटरी है, उसको कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। ईपीएफ एक्ट 1948 का, 1952 का सॉरी, उसमें एफआईआर लॉज होती है, 3 साल की सजा है। और उसने चूंकि ऐसे आदमी के उससे वो किया है जिसकी डेथ हो चुकी है, तो ये फोर्जरी भी हो गई, तो गंभीर मामला बन जाता है, संगीन। इसमें मुकदमा दर्ज कराइए, तमाम सारा के जितने भी कर्मचारी हैं इसको जेल जाना पड़ेगा। इस मैटर में नॉन वेलेबल ऑफेंस है, या तो सबका ईपीएफ करेगा, डबल करके पैसा वापस करेगा, मतलब जितना कर्मचारी का अंशदान है वो मैनेजमेंट का अंशदान, और नहीं तो जेल हाँ जाएगा। मदन लाल जी, अंत में अपने निवेश को से क्या कहना चाहिए? मैं अपने निवेशकों से यही कहना चाहूंगा साहब कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के निवेशक हैं, फिलहाल निकाय चुनाव हैं, वो मतदान का बहिष्कार करें संपूर्ण लोग, और नियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 जो प्रत्येक ठगी पीड़ित को भुगतान की गारंटी देता है, उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, इस्तेमाल करें, और प्रधानमंत्री के यहाँ भी लगातार चिट्ठियां भेजें, आवेदन भेजें, डाक से, स्पीड पोस्ट से, या बाई हैंड जैसे भी हो सके, ताकि इन्हें एहसास हो कि यार ये 42 करोड़ लोग अब जाग चुके हैं, और अगर हमने इनका भुगतान नहीं किया तो हमें सत्ता त्यागनी होगी। दो परिणाम निकलने चाहिए राजपूत साहब, मेरे हिसाब से, मेरी मिशन भुगतान यात्रा के भी, और जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं ठगी पीड़ितों के पक्ष में, उन सबका, कि या तो सबका भुगतान करना पड़े सरकार को, अन्यथा हम इस सरकार को सत्ता से ऐसे उखाड़ फेंकें जैसे गधे के सिर से सींग उखाड़ दिए गए हैं हमेशा हमेशा के लिए, कि उसके सींग नहीं जम सकते। दो ही परिणाम हमारे इस आंदोलन के आने चाहिए और आएंगे साहब। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, तमाम साथी एकजुट। मदन लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे एपीटीवी भारत के इस लागला लपेट कार्यक्रम में बात करने के लिए। जी धन्यवाद आपका भी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।